everyone, welcome back to your fun loving channel and your fun loving platform Hello Shiksha. So basically children, today we are going to do one short video section of chapter 6 class 11 biology anatomy of flowering plants. Okay, so this chapter is very important as per basis of your need as well as for your 11th exams. Okay, so let's begin. So first terminology is given. सो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज गिवन एज एनाटॉमी. तो एनाटॉमी क्या होता है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. ओके, तो मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी को हम कहते हैं क्या? एनाटॉमी. तो हमारा जो चैप्टर है उसमें हम प्लांट की एनाटॉमी देख रहे हैं. सो इसका मतलब है हम प्लांट की ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज की बात करेंगे. ठीक है, नेक्स्टली वी हैव टिश्यू. सो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. तो टिश्यू का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रही हूँ, यू कैन सी वंस कि अगर हम कह रहे हैं कि ये एक सेल है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि एक सेल है, तो इसी सेल की तरीके कई और सेल्स होंगी. तो जब वो सेल्स एक जगह पर प्रेजेंट होती हैं, एक ही टाइप की, ठीक है, एक ही टाइप की सेल्स हैं. अभी आप देखो कि ये एक ही टाइप के कैसे है, मैं इसके स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ. सो वी हैव सेम स्ट्रक्चर. ठीक है, ये हमारा सेम स्ट्रक्चर हो गया. एंड लोकेशन कह देते हैं कि ये एक्स वाली जगह पे बॉडी में प्रेजेंट है, सॉरी एक्स वाली जगह पे बॉडी में प्रेजेंट है. तो एक्स वाली जगह जब ये प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब है कोई ये फंक्शन स्पेसिफिक करती होंगी वाई. तो मैं यहाँ क्या कह रही हूँ कि ये सेल्स जो हैं ये क्या हैं कि ये एक स्पेसिफिक टिश्यू बना रही हैं. क्या कर रही हैं? ये टिश्यू बना रही हैं, मतलब ये एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रही हैं एक्स, और ये एक स्पेसिफिक जगह प्रेजेंट है वाई. तो ये जब प्रॉपर्टी होती है, और इनका स्ट्रक्चर तो सेम है, ये आप देख सकते हो ये सब सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर में है. तो परफॉर्मिंग फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, ये तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो क्या बनता है? हमारा टिश्यू. क्लियर हो गया? ओके, सो लेट्स सी फर्दर हमारे क्या दिया हुआ है. सो वी डू हैव अ थ्री टाइप ऑफ टिश्यूज. फर्स्ट वन इज मेरिस्टमैटिक टिश्यूज. तो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज जो होते हैं वो स्पेसिफिकली ऐसी जगह पे मिलती हैं जहाँ पर आपके डिवीजन कैपेबिलिटी होती है, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर सेल्स कंटिन्यूस डिवाइड करती रहती. ठीक है, हमें पता है कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो स्पेसिफिक रीजंस में स्पेसिफाइड होती है, मतलब कि स्पेसिफिक रीजंस होते हैं प्लांट में जहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है. तो फॉर दैट कंडीशन हम ये जो हमारे मेरिस्टमैटिक टिश्यूज होते हैं ये स्पेसिफिक एरियाज में मिलती हैं प्लांट के, यानी कि स्पेसिफिक पार्ट्स में ये मिलेंगी आपको प्लांट्स के, सो दैट कि वहाँ पर प्रॉपर ग्रोथ हो सके. ठीक है, सो अगर हम मेरिस्टमैटिक टिश्यूज के सब डिविजन की बात करें, सो डू वी हैव अ थ्री काइंड. फर्स्ट वन इज, वंस अगेन, यस. सो फर्स्ट वन इज बेसिकली योर एपिकल मेरिस्टम, सेकेंड वन इज इंटरकैलरी एंड थर्ड वन इज लेटरल. नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इन तीनों का डिफरेंस क्या है एक दूसरे से, और ये तीनों कहाँ पर मिलते हैं एंड फंक्शन. ठीक है, सो हम देखते हैं इसको स्पेसिफिकली इस तरीके से. ठीक है, ठीक है, तो ये जो एपिकल मेरिस्टम होता है ये टिप्स ऑफ रूट एंड शूट में मिलता है, यानी कि हमारे प्लांट्स के रूट एंड शूट में ये मिलेगा आपको. इंटरकैलरी मिलेगा मैच्योर टिश्यूज में, मतलब कि अगर हम कह रहे हैं ये दो टिश्यूज हैं आपके, ठीक है, और ये क्या हैं? मैच्योर हैं, इनकी एज हो गई है काफ़ी, दीज आर मैच्योर टिश्यूज. तो जब हम कह रहे हैं कि ये मैच्योर टिश्यूज हैं तो इनके बीच में यहाँ पर कहीं आपका ये इंटरकैलरी प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर मिलेगा आपको, यहीं पर दो मैच्योर शेल टिश्यूज के बीच में आपको इंटरकैलरी मेरिस्टम मिलता है. ठीक है,
आप आपके हम लेटरल मेरिस्टम की बात करें, इसके ये मिलेगा कहाँ? तो स्पेसिफिकली ये मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट एंड शूट में मिलता है, मतलब ऐसे रीजन्स में मिलता है जहाँ पर मैच्योर सेल्स होती हैं। और वो स्पेसिफिक रीज़न कौन सा है? स्पेसिफिक रीज़न हमारा अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे रूट एंड शूट के स्पेसिफिक एरियाज में ये हमें मिलता है। आपको याद रखना है कि हम एपिकल मेरिस्टम की जब बात करते हैं, वंस अगेन आई थिंक ओके, सो एपिकल मेरिस्टम की जब हम बात करते हैं चिल्ड्रेन, सो हम यहाँ पर सिर्फ बोलते हैं रूट एंड शूट। नॉर्मल रूट एंड शूट में भी मिलता है, वहीं हमारे लेटरल मेरिस्टम मेच्योर रीजन्स जो होते हैं रूट एंड शूट के, वहाँ पर मिलता है। वी हैव एपिकल मेरिस्टम एज प्राइमरी मेरिस्टम एंड इंटरकैलर मेरिस्टम इज ऑल्सो योर प्राइमरी मेरिस्टम, बट लेटरल मेरिस्टम इज योर सेकेंडरी काइंड ऑफ मेरिस्टम। इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी मेरिस्टम है तो इसका मतलब है कि ये प्राइमरी रीजन्स के ग्रोथ में हेल्प करता है। बेसिक जो होता है ग्रोथ प्लान में ऑब्जर्वेट, वो होता है आपके प्राइमरी मेरिस्टम की वजह से, और जो कि है एपिकल एंड इंटर कैलरी। लेटरल मेरिस्टम हमारा सेकेंडरी है, मतलब यहाँ पर इससे हमारी ऐसी ग्रोथ होती है जो कि सेकेंडरी फैक्टर में होती है और प्राइमरी फैक्टर में नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। वी हैव कि ये फंक्शन क्या करते हैं। तो एपिकल मेरिस्टम जो है ये आपका इंक्रीमेंट ऑफ प्लांट लेंथ, यानी कि प्लांट की ग्रोथ करता है, क्योंकि ये रूट एंड शूट में है तो दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। आपका कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ब्रांच एंड फ्लावर, तो इंटरकैलरी मेरिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि वो ब्रांच और फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट के, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। एंड देन वी हैव आर लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम क्या करता है, इट अपियर्स लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या है यहाँ पर, आपकी विद साइज ऑफ प्लांट, यानी कि ये अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारा प्लांट है, वन सेकेंड, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा प्लांट स्ट्रक्चर है, तो प्लांट में हमारा जब ये चीज़ें ये ग्रोथ होने लगती है विद की और ये बढ़ने लगता है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, लेटरल मेरिस्टम की वजह से। वहीं पर अगर आपकी लेंथ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है मतलब प्लांट इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो वो होता है एपिकल मेरिस्टम की वजह से। क्लियर हुआ? ओके, सो लेट्स गो टू अनदर टॉपिक टुडे, एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड्स क्या होती हैं कि बर्ड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द एक्सियल लीव्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग ब्रांच एंड फ्लावर्स। तो ऐसी कुछ बर्ड्स होती हैं, या फिर आप बोल सकते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि एक्सियल लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जब प्लांट्स में यहाँ पर लीव निकलना शुरू होती है, सो वी डू हैव हियर सम स्मॉलर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। और ये स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली, ये स्ट्रक्चर क्या करता है, यहाँ से आपका फिर फर्दर ब्रांच निकलना शुरू होती है प्लांट में। ठीक है, तो ये जो ब्रांच निकलती है इसी को हम कहते हैं एक्सिलरी बड। तो एक्सिलरी बड ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ब्रांच एंड फ्लावर के फॉर्मेशन को क्या करती है, इनिशिएट करते हैं। नाउ वी डू हैव अ परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज में हमारे दो कंडीशंस की डिवीजन है। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं कि मेरिस्टमैटिक टिश्यूज ही होते हैं, काइंड ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज होते हैं जो कि कंटिन्यूस सेल ग्रोथ के बाद क्या हो जाते हैं, परमानेंट किसी फंक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज, राइट। सो वी डू हैव टू टाइप ऑफ इट, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज अगर हम बात करें, सो वी डू हैव थ्री सब कैटेगरीज ऑफ देम। वी हैव पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यूज में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में मिजाइलम एंड फ्लोएम होता है। सो लेट्स सी, हम सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारे पैरेन्काइमा होती है उनकी वॉल थिन होती है, थिन वॉल्ड होते हैं, उनमें इंटर सेलुलर स्पेसेस होती हैं,
राइट। और सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। मेन फंक्शन की बात करें सो दे परफॉर्म फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डू रिमेम्बर। व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर स्पेसिफिकली इज कि पैरेन्काइमा में हमारे सेल्स पतली होती हैं, सेल वॉल। हमारी सेल्स के बीच में सेलुलर स्पेसेस होती हैं, सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। एंड फंक्शन परफॉर्म जो करता है वो होता है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। अगर अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स हम सेल को बनाना शुरू करें डायग्राम, सो कहीं ना कहीं इस तरीके से इसका डायग्राम आप देखोगे। ठीक है, वन सेकेंड, ओके। ठीक है, अब आपको यहाँ पे करना है कि ये जो सेल वॉल है ये सेलुलोज से बनी है। तो ये आपका पॉइंट हमने क्या किया कि एक्सेप्ट कर लिया है। देन वी डू हैव थिन वॉल सेल वॉल वाला पॉइंट, वी हैव इंटरसेलुलर स्पेस, तो ये हमारी इंटरसेलुलर स्पेस हो गई। तो इस तरीके से सेल्स का कुछ फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे क्लोरेन्काइमा के बारे में। ठीक है, सो दीज आर लिविंग क्लोजली पैक्ड आइसोडायमेटिक सेल्स, राइट। तो इनकी ये आइसोडायमेटिक एंड लिविंग काइंड ऑफ सेल्स होती हैं, और इनकी जो सेल्स होती हैं वो कॉर्नर्स पे थिक होती हैं। क्यों होती हैं? ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो पेक्टिन एंड सेलुलोज के डिकम्पोजिशन की वजह से जो हमारी सेल वॉल्स होती हैं या फिर सेल्स होती हैं वो क्या होती है, कॉर्नर्स पर थिक होती हैं। ठीक है, और इनका मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, इसको ग्रोइंग प्लांट के किसी भी पार्ट में। ठीक है, जब अगर ग्रोथ हो रहा है तो उस पार्ट को क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। इफ वी टॉक अबाउट डायग्राम, सो समवेयर डायग्राम इस तरीके से आपका हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपल उससे समझते हैं तो हम एक रेक्टेंगुलर सेल ले लेते हैं। तो डीकम्पोजिशन लिखा हुआ है मतलब कॉर्नर्स इसके कुछ इस तरीके से सर्कल में होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डीकम्पोजिशन हमने दिखा दिया है ऐसे, ये डीकम्पोजिशन हो गया कॉर्नर्स। तो इस तरीके से कुछ सेल होती है आपकी जो कि कैसे दिखती है, कॉर्नकाइमा सेल की तरह से दिखती है। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो होता है कि डेड सेल से बना होता है। ठीक है, और इनकी वॉल्स बहुत थिक होती हैं, और इनमें दो टाइप्स की सेल्स होती हैं, फाइबर्स एंड सक्लेरीट्स। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं कौन कौन सी सेल्स होती हैं। फाइबर्स एंड सक्लेरीट्स आर इंपॉर्टेंट सेल्स दैट आर फाउंड इन स्क्लेरेन्काइमा, एंड स्पेसिफिकली दे आर डेड काइंड ऑफ सेल, मीन्स इनमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म। क्योंकि किसी भी सेल में अगर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो दैट इज अ काइंड ऑफ लिविंग सेल। ओके, तो आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू स्पेस। सो वी हैव जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम जो होता है, जाइलम हमारा बनता है फोर पार्ट से, जिनको में आते हैं ट्रैकीज फर्स्ट पार्ट, देन वी हैव वेसल्स, वी हैव जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा वाली सेल्स अभी हमने पढ़ी, पैरेन्काइमा में थिन वॉल होती है, राइट, और वो फंक्शन प्रोवाइड करती है लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सेक्रीशन। तो ये सारा हो गया, आपको याद रखना है इनमें से कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जाइलम के, ट्रैकीज, वेसल्स, फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा। ठीक है, मेन फंक्शन इनका होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, मतलब किसी भी प्लांट में ये जाइलम प्रेजेंट है तो उसका फंक्शन होगा वाटर एंड मिनरल कंडक्शन का। ठीक है, वी हैव प्रोटोजाइलम हियर अ टर्म व्हिच इज मीनिंग द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी एलिमेंट्स। मतलब किसी भी जाइलम में फर्स्ट जो प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं यानी प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं उसको उन्हें हम प्रोटोजाइलम कहते हैं। ठीक है, मेटाजाइलम्स होते हैं ऐसे कंपोनेंट्स जो कि प्राइमरी जाइलम के कंपोनेंट्स के बाद बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट टर्म है ये आपको मैंने बताने वाली हूँ बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंडा,
एंडार्क क्या होता है कि प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑर्गन। तो एंडार्क जो है वो हमारा प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम की क्या है कि लोकेशन बता रहा है। तो प्रोटोजाइलम जब सेंटर में होता है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है पेरिफेरी एरिया में, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडार्क कंडीशन कहते हैं। ठीक है, ओके। तो कमिंग टू फ्लोएम, नाउ फ्लोएम इज कंसिस्टिंग ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो आपको दो चीज़ें पता चल गई कि फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा दीज आर कॉमन इन जाइलम एंड फ्लोएम बोथ। तो आपको सिर्फ दो दो याद करने हैं अदर पार्ट्स, जो कि है सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल्स फॉर फ्लोएम एंड फॉर ट्रैकीज एंड वेसल फॉर जाइलम। ओके, तो यहाँ पे प्रोटोजाइलम हो गया, तो यही चीज़ है कि ऐसे एलिमेंट कंपोनेंट्स जो कि नैरो सीव ट्यूब से बने होते हैं, मतलब जिनमें सीव ट्यूब्स काफ़ी पतली होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटोफाइलम कहते हैं। ठीक है, फ्लोएम, सॉरी। एंड सेकेंड वन इज़ मेटाजाइलम, तो जिसमें मेटाफ्लोएम, यहाँ पर जाइलम लिख गया है, डू राइट इट, मेटाफ्लोएम। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें जो सीव ट्यूब्स होती हैं इनका साइज थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हो गए। अब आते हैं टिश्यू सिस्टम में। टिश्यू सिस्टम जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, वो क्या है इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। टिश्यू सिस्टम में फर्स्ट टिश्यू सिस्टम जो दिया हुआ है वो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आता है आपका क्या क्या इंक्लूड होता है, क्यूटिकल आता है, एपिडर्मिस, एपिडर्मल हेयर्स, रूट हेयर्स, ट्राइकोसोम एंड स्टोमेटा। तो आपको ये कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स याद होने चाहिए, क्या है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, एपिडर्मल हेयर, रूट हेयर, ट्राइकोसोम्स एंड स्टोमेटा। सेकेंडली वी डू हैव अ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के में क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये समझ लेते हैं। वी हैव पैरेन्काइमा हेयर, सो इन दैट सेक्शन वी हैव पैरेन्काइमा, राइट, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों सेल्स जो होती हैं वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को बनाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है जो आपको याद रखना है, डाइकॉट स्टेम्स एंड रूट्स। द ग्राउंड टिश्यू इज डिवाइडेड इंटू हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज एंड पिट। तो हमारा जब डाइकॉट सिस्टम एंड रूट्स आते हैं, तो वहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी कि ये जो ग्राउंड टिश्यूज हैं इनको, ये इनके कुछ अलग सा पार्ट्स हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स, वी हैव एंडोडर्मिस हेयर, देन पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज एंड पिट। तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी जो हैं कंपोनेंट्स ग्राउंड टिश्यू के, वो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हमारे डाइकोट सीड्स एंड रूट्स आती हैं, तो उनमें क्या पार्ट्स होते हैं ये आपको सेपरेटली याद होने चाहिए, राइट। सो ये तो है। थर्ड जो सिस्टम है दैट इज़ वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आप समझ ही गए हो कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हमारा जाइलम एंड फ्लोएम से ये टिश्यू सिस्टम बनता है। मतलब व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर टुगेदर वी कॉल्ड इट एज वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है, जब हमारे जाइलम एंड फ्लोएम एक साथ होते हैं तो हम उन्हें वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं, और जब ये वैस्कुलर बंडल्स एक सिस्टम बना लेते हैं तो उन सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। कमिंग टू अनदर थिंग दैट इज़ वैस्कुलर बंडल, सो वी हैव अ काइंड ऑफ डिवीजन इन दैट टू। फर्स्ट वन इज़ योर रेडियल बंडल्स एंड सेकेंड वन इज़ योर कॉन्जॉइंट बंडल्स। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियल बंडल्स में क्या होता है कि जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई में सर्कल पर अरेंज होते हैं। कैसे, लेट मी टेल यू हाउ, वन सेकेंड प्लीज, ओके। तो हम ये कहते हैं कि अगर ये सर्कल है कोई, ठीक है, हम कह रहे हैं ये एक सर्कल है, आई थिंक इट्स विजिबल नाउ, ओके। तो ये सर्कल, हमने कहा कि ये एक सर्कल है और ये यहाँ पर इसको रेडियाई मार्क कर दिया हमने। ठीक है, ये सारे इसके रेडियाए हैं। तो जब ये रेडियाए हैं तो इनमें अरेंजमेंट जो होगा जाइलम फ्लोएम का वो अलग अलग होगा। जाइलम फ्लोएम, वी हैव जाइलम फ्लोएम हियर, देन वी डू हैव जाइलम फ्लोएम एंड जाइलम फ्लोएम। तो ये क्या है, अल्टरनेट मैनर पे अरेंजमेंट है जाइलम फ्लोएम का। तो ये क्या है, हमारा रेडियल बंडल है, यानी कि जाइलम फ्लोएम डिफरेंट रेडियोस पर अरेंज होते हैं,
वहीं कॉन्जॉइंट बंडल्स जो होते हैं ये क्या हैं कि स्पेसिफिकली किसी सेम रेडियस पर आपको दो जगह मिल जाएंगे, मतलब या तो इसमें पूरे सेक्शन में आपको जाइलम जाइलम मिलेगा या तो पूरे सेक्शन में आपको फ्लोएम फ्लोएम मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको कॉन्जॉइंट एंड रेडियल बंडल्स में, राइट, डिफरेंस क्लियर। नाउ अगर हम थोड़ा और नॉलेज करते हैं तो कॉन्जॉइंट को हमने डिवाइड कर दिया है तीन कैटेगरीज में। क्या कैटेगरीज हैं आपकी? कोलेट्रल बंडल्स हैं, बायो कोलेट्रल बंडल्स एंड कॉन्सेंट्रिक बंडल्स। तो कोलेट्रल बंडल्स आपका अगेन सब कैटेगरी में डिवाइड है। ओपन कोलेट्रल बंडल, ओपन में हमारा कैम्बियम प्रेजेंट होता है, मतलब XCP फॉर्मूला यहाँ पर लगता है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में ये कैम्बियम प्रेजेंट होता है। और क्लोज्ड जो वाला जो है उसमें, सॉरी, क्लोज वाले में आपका कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? XP, मतलब इसमें सी नहीं है, यानी कि कैम्बियम एबसेंट है। तो ये आप लर्न करने के लिए अपना फॉर्मूला टाइपा यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्टली वी हैव एनाटॉमी ऑफ रूट। तो ये रूट में हमने पता है कि डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट होता है। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंस के फॉर्म वे ऑफ सेक्शन से आपको यहाँ पर बता दिया है। आप इसको आगे चल के, आप अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप इसको लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू योर थिंग, ठीक है। तो जो है कि इसमें डाइकॉट रूट्स में कॉर्टेक्स जो होता है वो नैरो होता है, मतलब छोटा होता है, सॉरी, नैरो होने का मतलब है यहाँ पर कि पतला होता है एज कंपेयर टू कॉर्टेक्स ऑफ मोनोरॉन, ठीक है। एंडोडर्मिस जो होती है वो ज़्यादा थिक नहीं होती है और मोर प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। वहीं जो एंडोडर्मल सेल्स होती हैं मोनोकॉट में वो थिक होती हैं और उसमें कैप्सेरियन स्ट्रिप विजिबल होती हैं सिर्फ, उनमें ये मोनो प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स जो और होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। अब जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स की बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स का नंबर 2 to 5 वेरिएशंस में होता है, मतलब ऑन द बेसिस कि 2 to 5 के बीच में इनमें बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम के, ठीक है। और यही मोनोकॉट में जाइलम एंड फ्लोएम के बंडल्स जो होते हैं मोर देन 6 होते हैं, मतलब दे आर इवन मोर देन 6 अरेंजमेंट ऑफ दीज योर जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स। पेट इसमें डाइकॉट में या तो बहुत स्मॉल होता है या फिर एब्सोल्युटली एब्सेंट होता है, राइट। और हमारी मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप्ड पिट प्रेजेंट होती है, ठीक है। हमारी डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है किसकी हेल्प से? वैस्कुलर कैम्बियम की और कॉर्क कैम्बियम की हेल्प से। वहीं मोनोकॉट रूट में हमारी सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। एनाटॉमी ऑफ स्टेम पे आते हैं, आपको एनाटॉमी ऑफ रूट क्लियर हो गया, इसी तरीके से हम एनाटॉमी ऑफ स्टेम भी करेंगे। सो ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो किसमें डिफरेंशिएटेड होता है? कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस में, पेरिसी एंड पिट में, मतलब चार सब डिवीजन हो जाते हैं उसके। क्या डिविजन्स होते हैं? चार सब डिविजन होते हैं, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, देन वी हैव पेरिसी एंड पिट। अगेन अगर हम मोनोकॉट स्टेम में आते हैं तो ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ सिमिलर सेल्स, तो उनमें सिमिलर सेल्स होती है, कोई टेंशन ही नहीं है कि डिफरेंशिएटेड सेल्स किस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स रिंग फॉर्म में अरेंज होती हैं, ठीक है। और हमारे किस में? डाइकॉट स्टेम में। और डाइकॉट रूट, सॉरी, मोनोकॉट रूट में ये स्कैटर्ड होती हैं पूरे टिश्यू में, पूरे टिश्यू सिस्टम में ये स्कैटर्ड होती है। वैस्कुलर बंडल्स ओपन होती हैं जिसमें डाइकॉट में, और वैस्कुलर बंडल क्लोज होता ही है मोनोकॉट स्टेम में, राइट। स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देती है क्योंकि इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है किसके बीच में? जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, ठीक है। और मोनोकॉट में आपकी सेकेंडरी ग्रोथ एबसेंट होती है। स्टोमेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी शेप गार्ड सेल्स होती है उसमें। आपको स्टोमेटा का स्ट्रक्चर मैं अगर बता दूं तो वो हमारा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बीन लाइक होता है। तो इसमें ये जो होती हैं ये आउटर सर्कल्स, ये आपकी गार्ड सेल्स होती हैं, ठीक है। मैं आपको स्टोमेटा का पूरा स्ट्रक्चर बता दूंगी। एंड वी हैव कि स्टोमेटा जो मोनोकॉट में होता है वो डम लाइक इसमें होती हैं गार्ड सेल्स, यानी कि वो रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ गार्ड सेल्स नहीं होती हैं, दूसरे किसी पर्टिकुलर शेप की गार्ड सेल्स होती हैं, राइट।
सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात कर रहे हैं किसमें, डाइकॉट स्टेम एंड रूट में, तो वी हैव हियर इंक्रीज इन ग्रेथ ऑफ प्लांट. ग्रेथ का मतलब मैंने बताया है विड्थ से होता है. वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क प्रेजेंट होता है इसमें, किसमें, सेकेंडरी ग्रोथ में. पहला जो स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग होता है, ठीक है. तो इंट्राफेलिस्कुलर कैम्बियम प्लस इंट्राफेलिस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो कैम्बियम रिंग बना लेता है. क्लियर. फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम फ्रॉम कैम्बियल रिंग. तो अब स्टार्टिंग ऑफ पहले स्टेप से जो ये कैम्बियल रिंग बनी है इससे आपका दूसरे स्टेप में सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम बनता है, ठीक है. और इसके बाद जब सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम बन जाता है तो आपका स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड का फॉर्मेशन होता है. अब आप पूछोगे कि ये स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड क्या होता है. इट इज़ अ काइंड ऑफ वुड स्ट्रक्चर जिससे किसी भी प्लांट में वुड की प्रेजेंस का स्ट्रक्चर पता चलता है कि काम वो वुडी होगा प्लांट या फिर स्टेमी स्ट्रक्चर होगा. फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका कैम्बियम कॉर्क का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है. किसका, कैम्बियम कॉर्क का, जिसको हम फेलोजन कहते हैं. कॉर्क कैम्बियम को हम दो स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं, कॉर्क में जिसको फेलम कहते हैं जो कि आउटर सेल्स होती हैं, और सेकेंडरी कॉर्क जिसको हम फेलोडर्म कहते हैं जो कि इनर सेल्स होती हैं. तो आई थिंक इट इज़ क्लियर. जब हमारा फेलोजन फेलियम एंड फेलोडर्म मिलता है तो बनता है पेरीडर्म. ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो कि किस चीज़ के फॉर्म जॉइंट होने से क्या चीज़ फॉर्म करती है, ठीक है. सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट्स की बात करें, सो वी हैव कि डाइकॉट रूट में अकर्ड होता है सेकेंडरी मेरिस्टम की एक्टिविटी से, यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम से. और दिस कैम्बियम इज प्रोड्यूस्ड एज स्टाइल एंड कॉर्टेक्स. तो स्टेल एंड कॉर्टेक्स वाले एरिया में इस कैम्बियम का प्रोडक्शन होता है. और इससे क्या होता है कि डाइकॉट रूट्स की ग्रेथ, ग्रेथ अगेन मैंने बताया क्या होती है, विड्थ साइज. तो डाइकॉट रूट की विड्थ बढ़ाने का काम करती है. आपने देखा होगा बैनियन ट्री अगर बहुत ज़्यादा पुराना हो तो उसकी कितनी मोटी मोटी रूट्स होती है जो कि क्या है कि सॉइल से बाहर आ जाती है वहाँ, इसीलिए क्योंकि उनमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ हम देखते हैं. एनाटॉमी ऑफ लीफ पे हम आते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक. तो एनाटॉमी लीफ में हमारे दो काइंड ऑफ लीफ आर देयर. सो वी हैव मोनोकॉट जिसको हम एसोबाइट्रल लीफ कहते हैं, और ड्रोसो वेंट्रलर यानी कि डाइकॉट ट्री. तो डाइकॉट लीफ में हमारा स्टोमेटा एब्सेंट होता है या फिर लेस अबेंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है अपर साइड में, ठीक है. और मोनोकॉट में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लीफ की दोनों साइड्स में, ठीक है. आइसोफाइल जो होता है वो डिफरेंशिएट हो जाता है पैलिसेड पेरेन्काइमा में और लोअर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में. यानी मेसोफाइल को दो कंडीशन में हम डिवाइड कर देते हैं, पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड लोअर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ठीक है. और यहाँ पर जो मोनोकॉट लीव्स में मेसोफाइल होते हैं वो एक सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, कोई भी डिफरेंशिएशन उनमें ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, ठीक है. अब आते हैं अनदर थिंग पे, वी हैव बंडल शीट्स. सो बंडल शीट्स की बात करें तो इसमें सिंगल लेयर बंडल शीट्स होती हैं, किसमें, डाइकॉट में. और इसकी सेल्स क्या होती हैं, कलरलेस होती हैं, ओके. और वहीं मोनोकॉट में ये सिंगल सेल भी हो सकती हैं और डबल सेल भी हो सकती हैं. हाइपोडर्मिस जो होती है वो मिड रिब रीजन में प्रेजेंट होती है, उनमें कोलन काइमाटस सेल्स प्रेजेंट होती है, मतलब कोलन काइमा सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. मोनोकॉट में भी मिड रिब रीजन में प्रेजेंट होती है हाइपोडर्मिस, बट वो स्क्लेरन काइमा सेल से बनी होती हैं, ठीक है. तो ये तो था आपका पूरा चैप्टर जो है आपके एनसीईआरटी बेसिस पे, हमने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए थे. तो अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो नोट्स, यू विल डेफिनेटली पास योर क्लास 11 विद अ अमेजिंग रिजल्ट, ओके. सो डू रीड योर एनसीईआरटी बुक वंस बाय योर ओन एंड डू वॉच दीज वीडियोस. And I have prepared a single short videos also of this section. So please do check out on the channel playlist. And in a separate playlist of one short class 11 biology, I'll be posting this video. So do check it out for 2-3 times for a good revision. That is there. Okay. So that's all children. I have a few questions for you. 6 questions that I have prepared. Just give me answer of those.
नेम द टिश्यूज प्रेजेंटेड बाय जूट फाइबर्स फॉर मेकिंग रूम। तो जूट फाइबर्स में आपकी कौन सी टिश्यूज़ प्रेजेंट होती हैं जिनकी वजह से हम उनकी रोब्स बनाते हैं स्पेसिफिकली, ये आपको आंसर करना है, राइट। व्हाट काइंड ऑफ रूट डू वी हैव पॉलीआर्क वैस्कुलर बंडल। सो पॉलीआर्क वैस्कुलर बंडल में आपके कौन सी रूट्स प्रेजेंट होती हैं आपको ये बताना है। व्हाट इज हार्टवुड, ओके। स्टेट द रोल ऑफ पिट इन स्टेम, तो आपको पिट का स्टेम में क्या रोल है ये बताना है। वेयर आर बोलीफॉर्म सेल्स फाउंड इन leaves, which meristem does produce growth in length। so all these are basic type of a question, please do write in your notebook for your revision, क्योंकि ये बहुत basic questions हैं जो आपको multiple of times में पूछे जा सकते हैं। so do write, these are important question series में ये आपको questions मिल जाएंगे मेरे। so please do revision of the everything you have studied so far, because time is not that much left। so that's all, take care, do share with your friends and subscribe to the channel।